Dear students of 9th class, today we will discuss one of the question of this same chapter, polynomials of same exercise 2.5 of the textbook prescribed by J.K. Bose or in the textbook prescribed for 9th class, that is NCERT textbook ka question number 4 hai. इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, उनको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. यहाँ पे भी हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है. नाउ सी हियर, फर्स्ट पार्ट इज एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है. इसी तरह फोर्थ पार्ट 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर. दो पार्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इसके और सारे पार्ट्स हैं, उनको एज होम असाइनमेंट का पे कर लेना. अगर कोई प्रॉब्लम होगी डियर स्टूडेंट्स, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट. वी हैव हियर, वी हैव हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज x प्लस 2y प्लस 4z. We have an algebraic identity like this, that is a plus b plus c whole square. It is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. यहाँ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, a square plus b square plus c square प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये आइडेंटिटी हमारे पास है, इसी को यहां पे हमें यूज कर लेना है. दिस इज द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फॉर दिस. दिस इज इक्वल ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहां पे एक्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहां पे टू वाई, दैट इज टू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू है फोर जेड, फोर जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, टू इंटू ए बी, ए ए का वैल्यू एक्स है, दैट इज एक्स इंटू टू वाई प्लस बी सी, बी इंटू सी, दैट इज टू वाई इंटू फोर जेड प्लस ए सी, ए सी, दैट इज एक्स इंटू फोर जेड. ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन. इट इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर इज एज इज एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, टू स्क्वायर इज फोर वाई स्क्वायर इज देयर स्टूडेंट इज वाई स्क्वायर, दैट इज फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर, फोर इज हियर सिक्सटीन, फोर फोर जेड सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू टू वाई, सिंपली टू इंटू एक्स वाई प्लस टू वाई इंटू फोर जेड, टू फोर जेड एट वाई जेड प्लस एक्स इंटू फोर जेड, दैट इज प्लस फोर एक्स जेड. ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ गया. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस यहां से भी टू कॉमन मिलेगा, दैट इज फोर, टू जो कॉमन मिलेगा वो इस टू के साथ मल्टीप्लो होगा, दैट इज टू टू आर फोर. डियर स्टूडेंट, वी हैव फोर इंटू यहां पे एक्स वाई प्लस फोर टाइम्स वाई जेड, टू कॉमन प्लस टू टाइम्स एक्स जेड. ये इसका एक्सपेंशन. नाउ फोर्थ पार्ट, सी हियर, वी हैव हियर, हमारे पास है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर. ये हमारे पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस कैन बी रिटन एज दैट इज 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी होल स्क्वायर. एज 3a प्लस माइनस माइनस 7b प्लस माइनस माइनस सी होल स्क्वायर. Now we have here, it is say a plus b plus c whole square. It is same as this algebraic identity.
यूज दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी हियर। खाली यहाँ पे ए का वैल्यू 3a है, बी का वैल्यू -7b है, सी का वैल्यू है -c। डियर स्टूडेंट्स वी हैव नाउ एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हमारे पास है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, बी का वैल्यू है -7b होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट सी स्क्वायर, सी का वैल्यू है -c प्लस -c होल स्क्वायर। अब टू टाइम्स ए बी, ए का वैल्यू है 3a इंटू बी का वैल्यू है -7b प्लस BC, बी का वैल्यू है -7b, सी का वैल्यू हमारे पास -c प्लस AC, ए का वैल्यू हमारे पास है 3a इंटू सी का वैल्यू है -c। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आएगा। नाउ सी सिंपलीफाई दिस, वी हैव हियर दैट इज 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9a स्क्वायर इज ए स्क्वायर, दैट इज 9a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, वी हैव हियर पॉजिटिव दैट इज प्लस, 7 7s are 49, 7 स्क्वायर इज 49 बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट माइनस यहाँ पे स्क्वायर है, इट बिकम्स पॉजिटिव, वी गेट हियर प्लस सी स्क्वायर। और टेक दिस प्लस 2 इंटू इट इज 3a इंटू -7b, 3a इज पॉजिटिव -7b इज नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इट बिकम्स नेगेटिव, इट इज माइनस 3 7s are 21 ab प्लस यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा दैट इज पॉजिटिव ही रहेगा। 7 into 1 यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, इट इज 7 into bc, 7 bc। अब लास्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव। इस सी का क्वेश्चन 1 है, ए का क्वेश्चन 3 है, 3 into 1 दैट इज 3 into ac। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ गया बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले कि हम इस वीडियो को एग्जाम कर, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।